हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सिंपल हेयर केयर टिप्स जो मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करी है और मेरा हेयर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और ध्यान से देखना। लंबे घने बाल किसको पसंद नहीं है? सब चाहते हैं कि लंबे हो, घने बाल हो, हेयर फॉल ना हो, कंट्रोल में रहे और हेयर ग्रोथ भी हो। पर बहुत सारा चीज़ फैक्टर मैटर करता है, जैसे कि एज हो गया, जेनेटिक हो गया, पुअर डाइट। तो एज और जेनेटिक को तो चेंज नहीं कर सकते, पर डाइट को ज़रूर कंट्रोल कर सकते। 92% प्रोटीन से हमारे बाल बने होते हैं, जैसे कि कैराटीन में जो सारे चीज़ जो यूज़ कर रही हूँ सैलड में, तो भरपूर सब चीज़ यहाँ पे मिक्स है जो हमारे बालों के लिए ज़रूरत है, जैसे कि जिंक हो गया, बायोटिन हो गया, आयरन हो गया, वाइटामिन हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, कैरेटिन हो गया, भर भर के सारे चीज़ है। तो ये डाइट आप लोग अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से डाइट लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके हेयर के हेल्थ के लिए। और सीड्स को, ड्राई फ्रूट को अपने डाइट पर ज़रूर इंक्लूड करें। और टिप नंबर टू में है, वो है हमारे होममेड रेसिपी। यस, हमारे बालों के लिए सबसे बेस्ट है, स्किन के लिए सबसे बेस्ट है वो है नेचुरल चीज़ जो हमें घर पे ही मिल जाता है, किचन में ही मिल जाता है। तो मैं आज बना रही हूँ मेथी और कड़ी पत्ता, ये दोनों चीज़ को यूज़ करके हेयर का टॉनिक। ये टॉनिक बहुत ही अच्छा मेरे हेयर पर रिजल्ट मिला है मुझे। ये टॉनिक आप हफ्ते में 2 से 3 बार, जब भी आप शैम्पू करें उससे पहले 1 से 2 घंटा पहले आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पूरा बालों पे अच्छे से इसको लगा सकते हैं। ये टॉनिक से आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपका हेयर कंट्रोल होगा और हेयर का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आपका इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं 2 कप पानी दे रही हूँ, उसमें मेथी और कड़ी पत्ता को मैंने अच्छे से दे दिया है। अब मैं सिम में दे दूँगी फ्लेम को, उसके बाद मैं अच्छे से इसको बॉईल करने के बाद अभी इसको छान के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद कोई भी स्प्रे बॉटल से आप इसको अच्छे से अब डाल लो। मैंने ये मेसो से लिया था ये बॉटल, फिर इसको हम लगाएंगे। चलो चलते हैं। तो क्या करना है, पूरा बालों को 2 पार्टीशन में करना है, पर उससे पहले आपके बालों में अगर कोई नॉट्स हो तो वो आप कंघी करके अच्छे से पूरा बालों को पहले से एक बार आप अच्छे से कोम कर लो। उसके बाद पूरा बालों में अच्छे से पूरा स्प्रे करना है आराम आराम से, और अपने बालों को अच्छे से थोड़ा सा मसाज करना है पूरा बालों में, लेंथ से लेके टिप से लेके पूरा बालों में अच्छे से आपको स्प्रे करना है। फिर हेयर को अच्छे से बन बना के शावर कप लगा के 1-2 घंटा आप छोड़ दो। शावर कप अगर नहीं होगा तो ऐसे कोई भी टॉप को आप अच्छे से ऐसे रैप करके 1-2 घंटा छोड़ने के बाद अच्छे से फिर शैम्पू कर लेना है। पर आपके पास अगर शावर कैप है तो आप वही यूज़ कीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा तामझाम वाला काम हो जाएगा, और नहीं तो आप ये यूज़ करो। आफ्टर शैम्पू आपके हेयर बहुत ही हेल्दी दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसको आप कंटिन्यू करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। टिप नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कोम। बट हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, प्लास्टिक का कोम हमारे हेयर के लिए एकदम ठीक नहीं है। हमें नीम हुडन कोम यूज़ करना है, जिससे आपके हेयर को अच्छा से स्कैल्प को मसाज मिले, आपके हेयर को ग्रोथ में आपको हेल्प मिले, डैंड्रफ को टारगेट करें और आपके हेयर शाइनी एंड हेल्दी हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें और हुडन कोम यूज़। टिप नंबर 4, वो है वर्कआउट। ज़रूर करें, 1 घंटा या फिर 1/2 घंटा, आपका ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपका हेल्दी हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और वर्कआउट करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। टिप नंबर 5 है, वो है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल हेयर के लिए। हेल्दी हेयर चाहिए तो आपको ट्रिमिंग ज़रूर करना है। आप घर पे भी कर सकते हो या फिर बाहर में भी जाके कर सकते हो। मेरा थोड़ा लॉन्ग हेयर है तो मैं घर पे भी थोड़ा देख देख के ट्रिमिंग कर लेती हूँ, क्योंकि स्प्लेटन कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। दोमिये बाल जिसको बोलते हैं वो तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो हो ही जाता है। तो स्प्लेटन आपको अगर एक बार हो गया तो आपका जो आप अगर कट नहीं करोगे तो आपको पूरा हेयर तक जाके पूरा हेयर को डैमेज करता है। आपके हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा रूखा सूखा रहता है, अच्छा नहीं लगता है आपका हेयर देखने में। मेरा पूरा ट्रिमिंग किया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं हमेशा ट्रिमिंग करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि मैं ट्रिमिंग जाके कर लूँ, मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करती हूँ। तो मैं 2-3 महीना में छोड़ के ट्रिमिंग करती हूँ, क्योंकि इससे हेयर का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है।
टिप नंबर 6 वो है टॉवल। यस गाइस, माइक्रोफाइबर टॉवल आप लोग यूज़ करें हेयर के लिए, नॉर्मल टॉवल नहीं, क्योंकि माइक्रोफाइबर टॉवल आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके जो स्कैल्प के लिए अच्छा होता है, आपका जो वाटर रहता है हेयर में नहाने के बाद उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, आपका हेयर के लिए बहुत ही जेंटल रहता है और इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये सिर्फ हेयर के लिए ही बने हैं। टिप नंबर 7 वो है हेयर स्टाइलिंग। यस गाइस, हेयर स्टाइलिंग करते वक्त हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा खींचादानी करते हैं, बहुत हाई पोनीटेल करते हैं या फिर बहुत टाइट पोनीटेल करते हैं, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है या फिर आपका हेयर ग्रोथ भी नहीं होगा, आपको स्प्लिटिंग भी आएगा। तो ये सारे चीज़ आपको नहीं करना है, आपको बहुत ही लूज पोनीटेल करना है, या फिर बालों को आप कैसे भी स्टाइल कर रहे हो उसको थोड़ा सा लूज रखा करो, दैट्स इट। आपके अगर हेयर अच्छा है तब कोई भी स्टाइल करोगे अच्छा रहेगा। और मेरे जैसे अगर छोटा छोटा हेयर में थोड़ा सा फ्रंट पे अपने कट किया है स्टाइल वालने के लिए मैंने कर लिया था, तो उसको भी फ्रंट में करके अब बस अब बाहर जा सकते हो, रेडी टू गुड टू गो। अपने बालों से प्यार करो, टेक केयर करो। टिप्स नंबर 8, सोक हेयर वाटर। यस गाइस, आफ्टर हेयर वॉश अपने हेयर को माइक्रोफाइबर टॉवल से बहुत अच्छे से सोक करना है, हेयर को घिसना नहीं है, नहीं तो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। और माइक्रोफाइबर टॉवल से जब आप सोक करोगे बहुत अच्छे जेंटल तरीके से, हल्का हल्का मसाज करके, जब हेयर का जितना भी आपका वाटर रहेगा वो जो सारी चीज़ आपको माइक्रोफाइबर टॉवल में सोक कर लेगा और 80-85% आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे। तो बी जेंटल फॉर हेयर। टिप नंबर 9, क्या आप हेयर ऑयलिंग करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ये हेयर ऑयल होममेड है, मैंने खुद बनाया है, मेरा यूट्यूब में मेरा वीडियो अपलोड है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हेयर ऑयल करने से हेयर का ग्रोथ होता है, रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्कैल्प पर नरिश मिलता है, आपका स्प्लिटिंग होता नहीं है, आपका ग्रे हेयर नहीं होने देता है, हेयर जो लॉस होता है उसको कंट्रोल करता है और ओवरऑल आपका हेयर को बहुत शाइनी करता है, बहुत ही स्ट्रांग करता है। 1-2 घंटे रखने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। टिप नंबर 10 वो है शैम्पू। शैम्पू हमेशा हेयर के अकॉर्डिंग ही आप चूज़ करें। हमें आदत होती है ज़्यादा एक्सेस शैम्पू यूज़ करने के लिए, इसलिए पानी में हमेशा डाइल्यूट करके शैम्पू के यूज़ करें। पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, ज़्यादा हर्ष केमिकल शैम्पू आप यूज़ ना करें और अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही शैम्पू को अपने रूटीन में ऐड करें। अच्छे डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कीजिए। 3-4 लीटर आप पानी पीजिए। डिहाइड्रेट हो जाने से हमारे स्प्लिटिंग हो जाते हैं, हेयर ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होता है, हेयर फॉल होता है और बाल एकदम रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं। हाइड्रेट रखने से हमारे हेयर बहुत अच्छा रहता है, हमारे स्किन बहुत ग्लो करता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। मस्ट हैव 3 लीटर वाटर। दिन भर तो हम लोग हेयर केयर करते हैं पर नाइट में अपने हेयर को सबसे ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, वो है इतना टाइट टाइट बर्न करके। ऐसा नहीं करना है, हमारे हेयर को थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत होता है, जैसे स्किन को ज़रूरत होता है हाइड्रेशन का, मॉइस्चराइजर का, वैसे हेयर को भी। भर भर के ऑयल नहीं लगाना है, जस्ट 1-2 ड्रॉप अपने हैंड पे ऑयल लगाना है। मैं कोकोनट ले रही हूँ, आप लोग ऑलिव ऑयल ले सकते हो, स्वीट आलमंड ऑयल भी ले सकते हो, सीरम भी ले सकते हो, उसके साथ अच्छे से 1-2 ड्रॉप लेके अच्छे से हैंड पे लेके वार्म अप करने के बाद अच्छे से अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद आप कोई भी जैसे भी आपको चोटी बनाना है तो बना लो, बट वो थोड़ा सा लूज रखना। आपको बोलने का मतलब यही है कि आप टाइट बर्न मत करना, उससे आपका हेयर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, आपका हेयर ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और हेयर फॉल जो है तो बहुत एक्सेस हो जाता है। तो नाइट में हम लोग जैसे लूज कपड़ा पहनते हैं वैसे ही नाइट वेयर जैसे कंफर्टेबल रखते हैं, वैसे अपने हेयर को भी कंफर्टेबल रखना है, बहुत ही लूज टाई करके सो जाना है, दैट्स इट। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।